नमस्कार दोस्तों, मैं शशिभूषण प्रसाद स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल एजुकेशन पॉइंट पे। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से होंगे और अच्छे से घर में बैठ के पढ़ाई कर रहे होंगे। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का सीरीज चल रहा है, और इस सीरीज में हम लोग अभी तक देख लिया था कि कैसे अंग्रेज अपने प्रतिद्वंदी जैसे कि फ्रांसीसी, डचों और पुर्तगालियों को हरा करके भारत में अपने व्यापार पे पूरा अधिकार कर लिया था। और इस वीडियो में हम देखेंगे ब्रिटिश विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण, जब वो एक बार अपना व्यापार पर एक क्षेत्र अधिकार कर लिया, अपने सारे विदेशी यूरोपियन प्रतिद्वंदी थे सबको हरा करके पराजित कर दिया, उसके बाद कैसे वो भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता स्थापित करने की कोशिश में लगे, उसी के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो अगर आप पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले आप पिछले वीडियो को देख लीजिए, ताकि इस वीडियो को समझने में आपको ज्यादा आसानी होगी। और अगर हम बात करें ब्रिटिश विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण की, तो ब्रिटिश के विस्तार भारत में आपको जानने के लिए सबसे पहले थोड़ा हम भारत की उस समय की वर्तमान स्थिति को जानेंगे। उसके बाद जो ब्रिटिश का जो विस्तार हुआ है वो उसका मुख्य केंद्र रहा है बंगाल, तो वो उसके बाद थोड़ी सी बंगाल की उस समय की वर्तमान स्थिति को भी जानेंगे कि उस समय बंगाल की स्थिति क्या थी और कैसे वो बंगाल अंग्रेजों को अपनी ओर आकर्षित किया और कैसे बंगाल अंग्रेजों का मुख्य केंद्र बन गया। तो बंगाल की स्थिति को जानेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि बंगाल की स्थिति में क्या परिवर्तन हुआ, उसके राजनीतिक सत्ता में क्या परिवर्तन हुए जिसके कारण से अंग्रेज बंगाल में पहले अधिकार किए और उसके बाद धीरे 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 पूरे भारत पे अपना राज्य का स्थापना किया। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे। और उसी के बाद जब हम बंगाल को डिस्कस कर लेंगे तो उसके बाद देखेंगे कि कैसे वो पलासी का प्रथम युद्ध जीत करके भारत में अपना विजय अभियान शुरू किया अंग्रेजों ने, तो ये हम इसके क्रम में डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं वीडियो को और देखते हैं कि उस समय भारत की स्थिति क्या थी दोस्तों। तो मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट वाइज लिखा है, आप इसको नोट करते चलिएगा और इससे आपको बहुत फायदा होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं कि ब्रिटिश विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण जिसमें अंग्रेजों ने अपनी शक्ति को स्थापित किए वो शुरुआत किया था उसने बंगाल से। तो अंग्रेज एवं बंगाल के नवाब को हम भी हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि भारत की स्थिति उस समय में क्या थी। तो भारत की स्थिति को देखते हैं तो उस समय मुगल साम्राज्य क्या था, पतन की ओर पे चला गया था, क्योंकि हम जानते हैं कि 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी और औरंगजेब जब तक जिंदा था मुगल की सेना और मुगल प्रशासन का जो ढांचा था वो सीधी खड़ी थी, अपने पैरों पे खड़ी थी। लेकिन जैसे ही मुगल सम्राट बादशाह जो थे औरंगजेब, उसकी मृत्यु हो जाती है, उसके बाद उसके उत्तराधिकारी राजा जितने भी बादशाह आए वो सारे के सारे अयोग्य थे और इतने बड़े मुगल साम्राज्य को वो संभाल नहीं पाए और धीरे धीरे वो कमजोर होते चले गए। जैसा कि औरंगजेब के बाद उसके उत्तराधिकारी हुए बहादुर शाह, जहांदार शाह, फारूक सियार या फिर मोहम्मद शाह, जितने भी राजा आए सबने राज्य किया 1707 से लेकर के 1857 तक राज किया, जिसे हम उत्तर मुगल काल में पढ़ेंगे। लेकिन कोई भी ऐसा शासक मुगल बादशाह नहीं हुए जो औरंगजेब के समय से पहले मुगल शासन था, मुगल साम्राज्य था, उसको वो संभाल नहीं पाया। तो पहला पॉइंट यही था कि मुगल साम्राज्य जो था वो पतन की ओर था। इसके अलावा भारत के उत्तर पश्चिम से विभिन्न प्रकार के बाहरी आक्रमण हुए, मतलब ये हुआ कि जैसे मुगल साम्राज्य कमजोर होते चला गया तो उत्तर पश्चिम, भारत के उत्तर पश्चिम से बहुत सारे बाहरी आक्रमणों का दौर शुरू हो गया। और शुरू हो गया तो पहला जो आक्रमण किया था उस समय में वो नादिर शाह 1738-39 में भारत पे पहला आक्रमण किया और उसने लाहौर को जीत लिया। उसके बाद क्या किया कि 13 फरवरी 1743 को उसने करनाल में मुगल सेना को पराजित किया और मुगल बादशाह जो मोहम्मद समय उसमें तत्कालीन था उसको उसने बंदी भी बना लिया। फिर उसने दिल्ली की ओर कूच किया और दिल्ली को ध्वस्त कर दिया उसने, और ध्वस्त करके वहां के लोगों से करीबन 70 करोड़ रुपए लूट लिए। और इसके अलावा मुगल बादशाह का जो मयूर सिंहासन एवं उसके अंडर में जो कोहिनूर हीरा था उसको भी लूटते वो चले गए। तो इतने हानि नादिर शाह ने किया था। नादिर शाह के बाद एक अफगानी शासक आया था अहमद शाह अब्दाली। उसके बाद वो अहमद शाह अब्दाली ने किया कि भारत के अफगानिस्तान क्षेत्र को अपने कब्जे में कर लिया।
ये होने के बाद जो केंद्रीय शक्ति थी और धीरे धीरे कम होती चली गई, और उसके बाद की क्या हुआ कि राज की जो शक्ति थी वो दो वर्गों में बट सी गई थी। एक वर्ग था जमींदार वर्ग जो किसानों से राजस्व वसूल करके मुगल सत्ता को मुगल बादशाह को देता था, और दूसरा कुलीन वर्ग था। तो ये दोनों का जो पकड़ है समाज में अपने अपने जगहों पे मजबूत होती चली गई, और केंद्रीय शक्ति जो मुगल बादशाह थे केंद्र में उसकी शक्ति में कमजोर उसकी शक्ति कमजोर होती चली गई। विभिन्न क्षत्रिय शक्तिशाली समूह का उदय, जैसे अब विभिन्न शक्तिशाली समूह कौन कौन से हुए, जैसे कि जाट आगरा मथुरा के क्षेत्र में, दिल्ली के क्षेत्रों में जाट का उदय हो गया, फिर पंजाब के क्षेत्रों में सिख का उदय हुआ, मराठा महाराष्ट्र के क्षेत्र में मराठों का उदय हुआ। और इन वर्गों के उदय से क्या हुआ कि मुगल साम्राज्य में राज्य टूट टूट के एक नवीन राज्यों का उदय होने लग गया, जैसे जाट का दिल्ली आगरा के क्षेत्र में इधर जाटों का शासन होने लग गया, पंजाब राज्य का उदय होने लग गया जिसमें सिखों की प्रभुता थी, उसके बाद मराठाओं का उदय हो गया महाराष्ट्रों के क्षेत्र में दक्षिण भारत के क्षेत्र में। उसके बाद नवीन राज्यों का उदय होने के अलावा भी जो मुगल शासन के अधीन में कुछ उत्तराधिकारी राज्यों का उदय हो गया, जैसे कि आप बंगाल कह सकते हैं जहाँ पे मुर्शिद कुली खान ने नवाब बन के वहां का शासन शुरू किया, उसके बाद अवध का नवाब बन के अवध को एक मुगल शासन के उत्तराधिकारी राज्य के रूप में चलाने लग गए, और उसके बाद जो हैदराबाद का उदय हुआ जो कि मुजफ्फर जंग के नेतृत्व में मुगल शासक के उत्तराधिकारी राज्यों का उदय हो गया। उसके अलावा कुछ स्वतंत्र राज्य भी हुए, स्वतंत्र राज्य में जैसे कि राजपूत राज्यों का उदय हो गया, उसके अलावा जो हैदर अली के नेतृत्व में मैसूर राज्य का उदय हो गया, और केरल राज्यों का उदय हुआ जो कि कोचीन त्रावणकोर और कालीकट तीन राज्यों को मिला करके हुआ। तो इस तरह से यहाँ पे नवीन राज्य उत्तराधिकारी राज्य और स्वतंत्र राज्यों का उदय हो गया, और मुगल साम्राज्य छोटे छोटे राज्यों में छोटे छोटे टुकड़ों में बट गई और उसकी केंद्रीय शक्ति कमजोर होती गई, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि मुगल साम्राज्य की आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय हो गई कि वहां के लोग आजीविका के लिए अपने भरण पोषण के लिए प्रांतों की ओर विस्थापित होने लगे। जो कलाकार थे वो कलाकार अपने आजीविका के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पे स्थानांतरित होने लगे। उसके अलावा जो महिलाओं की स्थिति थी वो बेहद खराब हो गई थी, दास प्रथा अपने चरम उत्कर्ष पे था, और शैक्षणिक स्थिति जो शिक्षा की स्थिति थी वो भी बेहद कमजोर थी, और कला और स्थापत्य का भी जो विकास है वो रुक सा गया था। ठीक है दोस्तों, तो ये उस समय में भारत की स्थिति चरमरा सी गई थी, और इसी का फायदा अंग्रेजों ने उठाया था। तो अंग्रेज जो था सबसे पहले जो वो अपना सत्ता का स्थापना शुरू किया वो बंगाल से शुरू किया। तो चलिए हम देखते हैं कि बंगाल की स्थिति उस समय में क्या थी। बंगाल जो था उस समय में, वर्तमान में जो बंगाल है, बिहार है और झारखंड है और उड़ीसा है, ये चारों स्टेट को अगर आज के स्टेट को मिला दीजिए तो चारों स्टेट का जो मिला के जितना क्षेत्र बनता है वो पूरा क्षेत्र उस समय के बंगाल का था। ठीक है, उस समय बंगाल में जो शासन करता था, जैसे मैंने अभी बताया कि मुगल शासन के अधीन वो एक सूबा था और उसके जो सूबेदार होते थे वो नवाब कहलाते थे। इसके अलावा ब्रिटेन को एशिया से होने वाले आयात का 60% जो था वो बंगाल से ही किया जाता था, क्योंकि वहां एक हुगली नदी है और नदी का क्षेत्र पड़ने के कारण वो बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र था, एक धनाढ्य क्षेत्र था, और वहां पे बाहरी आक्रमण भी बहुत कम हो रहे थे, एक शांति जगह था जिससे कि व्यापार के लिए बहुत ही वो अच्छे जगह अंग्रेज को लगा, और अंग्रेज वहां से अपना व्यापार करने लगे। तो वो ब्रिटेन को जो आयात होता था एशिया से, तो उसमें 60% जो आयात होता था जैसे कि सोरा, चावल, नील, काली मिर्च, सूती वस्त्र, ये सारे चीज जो थे वो बंगाल से ही ब्रिटेन वाले आयात करते थे और वहां से अपने यूरोपीय और देशों में व्यापार करते थे या उसको बेचते थे। तो 60% वो बंगाल से ही आयात करते थे, जिसके कारण से बंगाल अंग्रेजों के लिए एक आकर्षण का केंद्र बन गया, व्यापार का एक केंद्र बन गया। उसके बाद क्या हो गया, 1717 ईस्वी में जो मुर्शीद कुली खान जो था उसको सूबेदार नियुक्त हुआ, और जो कि 1727 तक रहा, जो उस 1717 में फरुख सियार मुगल बादशाह बने, उसने मुर्शीद कुली खान को 1717 में सूबेदार बंगाल का नियुक्त किया, और 1717 ईस्वी में ही फरुख सियार ने अंग्रेजों को एक आप कह सकते अधिकार पत्र दिया जिसमें जिसे मैग्ना कर्ता भी कहा जा सकता अंग्रेजों के लिए, जिसमें 3000 रुपए में बंगाल में वार्षिक रुपए से बंगाल में मुक्त व्यापार करने का कंपनी को अनुमति दे दिया था, जिसके कारण से क्या हुआ कि बंगाल का जो राजकीय कोष था उसमें बहुत सारा उसको नुकसान उठाना पड़ा, जिसके कारण से बंगाल के नवाब और अंग्रेजों के बीच हमेशा मतभेद की स्थिति बनी रही।
उसके पश्चात क्या हुआ, जब 1727 ईस्वी में मुर्शीद कुली खान की मृत्यु के बाद पश्चात उसका दामाद शुजाउद्दीन 1717 से 1739 के बीच में सूबेदार नियुक्त हुआ। उसके पश्चात जो है मुर्शीद कुली खान का एक पुत्र था जो कि इतना योग्य नहीं था, एक अयोग्य पुत्र था सरफराज, जो एक साल के लिए 1739 से 1740 के लिए सूबेदार बना। अब सरफराज के जो सूबेदार बने, नवाब बने, उसके सेना में एक सैनिक था अलीवर्दी खान जो बहुत ही योग्य शासक था। तो 1740 ईस्वी में क्या किया, अलीवर्दी खान ने सरफराज की हत्या करके बंगाल का नवाब बन गया और बंगाल का नवाब बन गया और मुगल को, मुगल जो बादशाह थे, मुगल शासन थे, उसको अपने पैसे कुछ रिश्वत में पैसे दे दिए, जिससे क्या हुआ कि मुगल बादशाह भी चुप होके बैठ गया, उस पर कोई विरोध नहीं जताया। तो ये कहानी थी बंगाल की। अब क्या हुआ कि जब अलवर्दी खान 1756 तक रहे, 1740 से 1756 तक रहे, उसके मृत्यु के पश्चात क्योंकि उसका कोई बेटे नहीं था, उत्तराधिकारी नहीं था, तो उसकी तीन बेटियां थी, उस तीनों बेटियां में उत्तराधिकार के लिए संघर्ष की स्थिति बन गई। तो उसको हम आगे देखेंगे और उसी क्रम में हम देखेंगे कि इसी कमजोरी को फायदा उठाकर अंग्रेज कैसे बंगाल में अपना विजय हुए और कैसे वो पलासी के युद्ध को फ्रेम किया और पलासी के युद्ध में कैसे धोखे से अंग्रेज के तत्कालीन नवाब, जो बंगाल के जो तत्कालीन नवाब थे सिराजुद्दौला, उसको कैसे हराया और पलासी का युद्ध जीता। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। तो अलवर्दी खान के मृत्यु के पश्चात उसकी तीनों पुत्रियां जो कि ढाका में रहती थी, पूर्णिया में रहती थी और पटना में रहती थी, इस तीनों के बीच में संघर्ष शुरू हो गए। तो यही हमने लिखा है कि 1756 में अलवर्दी खान के मृत्यु के पश्चात उसकी तीनों बेटियां, बड़ी वाली ढाका में रहती थी, उसके बीच वाली, उसके बाद वाली पूर्णिया में रहती थी और सबसे छोटी वाली पटना में रहती थी, वो तीनों के बीच में संघर्ष होने लगे। और जो ढाका वाली बेटी थी उसका नाम था घसीटी बेगम, पूर्णिया वाली बेटी का पुत्र था शौकतजंग और पटना वाली सबसे छोटी बेटी का पुत्र था सिराजुद्दौला। तो इसी संघर्ष में सिराजुद्दौला जो था, छोटी बेटी का पुत्र जो पटना वाली थी, उसका पुत्र सिराजुद्दौला नवाब बना बंगाल का, जिसका विरोध घसीटी बेगम जो कि ढाका वाली थी और पूर्णिया वाली बेटी और उसका पुत्र जो था, उसका पुत्र शौकतजंग करने लग गया। जब सिराजुद्दौला नवाब बन गया तो उसका विरोध उसकी मौसी घसीटी बेगम और दूसरी मौसी जो थी पूर्णिया वाली और उसका पुत्र शौकतजंग उसका विरोध करने लगा। यही नहीं, सिराजुद्दौला का विरोध उसके दरबारी भी करने लगे, जिनमें मुख्यतः थे वो है बैंकर जगत सेठ जो बैंकर था, अमीचंद जो व्यापारी था, राय दुर्लभ जो दीवान था और मीर जाफर जो सेनापति था, उसके अलावा राजबल्लभ जो एक दरबारी था वो भी करने लगे। तो यही हमने लिखा कि इसके अलावा दरबारी जैसे कि जगत सेठ, अमीचंद, राय दुर्लभ, मीर जाफर और राजबल्लभ, उसके दरबारी उसका विरोध करने लग गए। इसका इस विरोध में आंतरिक कमजोरी और कलह को देखते हुए अंग्रेज एक मौका देखा कि इस समय हम बंगाल पे अपना सत्ता को स्थापित कर सकते हैं और वो अपना बंगाल में किलाबंदी का काम शुरू कर दिया और उसी समय वो दक्षिण भारत में फ्रांसीसियों को पराजय कर दिया था। तो उसका जो उत्साह, अंग्रेजों का उत्साह, वो अपने चरम पे था और बंगाल में अपना वो किलाबंदी शुरू कर दी। तो यही हमने लिखा कि जब अंग्रेजों ने बंगाल में किलेबंदी शुरू कर दी और बंगाल के संप्रभुता के विरुद्ध भारतीय वस्तुओं पे भारी कर वसूलने लगा, भारतीय जो कि बंगाल के नवाब वसूला करते थे उसके बदले वो बंगाल में अंग्रेजी कंपनी जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी थी वो कर को वसूलने लग गए। लेकिन सिराजुद्दौला जब अंग्रेजों को रोका, उसको उसका विरोध किया तो अंग्रेज नहीं माने और अपना किलेबंदी का काम शुरू ही रखा। तो इससे क्या हुआ कि जब अंग्रेज नहीं माना तो सिराजुद्दौला ने क्या किया, अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध छेड़ दी और युद्ध छेड़ा तो क्या हुआ कि पहले सिराजुद्दौला कासिम बाजार पे आक्रमण करके उसको जीत लिया, फिर 20 जून 1756 को फोर्ट विलियम जो कलकत्ता में, उस किले पर कब्जा करके उसको अपने अंडर कर लिया, अपने कब्जे में ले लिया। फिर अंग्रेज जो है पराजित होने लगे और अंग्रेज भागकर फुलटा द्वीप में शरण ले ली। और इसी क्रम में जो एक काल कोठरी की घटना हुई जिसे ब्लैक होल की घटना कहते हैं, वही घटना जो है प्लासी युद्ध के तत्कालीन कारण बना। तो ये काल कोठरी की घटना क्या थी, तो ये कहा जाता था क्योंकि एक 14x18 के कमरे में, 14x18 के कमरे में सिराजुद्दौला 146 अंग्रेज को बंद कर दिया और अगले दिन जब उसमें से निकाला तो मात्र 23 अंग्रेज उसमें से
जीवित निकले, बाकी सारे मर गए थे। तो जो 23 जीवित अंग्रेज निकले उसमें एक हॉलवेल नाम का अंग्रेज था, और ये हॉलवेल नहीं, ये ब्लैक हॉल की जो घटना थी उसको वो एक्सप्लेन किया, उसने अपनी बात सबको बताया। तो ये ब्लैक हॉल की घटना, कालकोठी की घटना कितनी सही है या कितनी गलत है, इसमें इतिहासकारों का मतभेद है। कुछ इतिहासकार उसको सही मानते हैं, लेकिन कुछ इतिहासकार इसको कहते हैं कि नहीं, ये जो अंग्रेज हॉलवेल है उसका एक मनगढ़ंत कहानी थी, जिसके कारण से अंग्रेज जो है सिराजुद्दौला को बदनाम कर सके, दुनिया के सामने उसको गलत साबित कर सके, झूठा साबित कर सके, उसको एक अन्यायी राजा साबित कर सके, अन्यायी नवाब साबित कर सकते। तो ये एक कालकोठरी की घटना उसी समय में सिराजुद्दौला के खिलाफ हुई थी। उसके अलावा क्या हुआ था कि जो जो पूर्णिया वाला जो उसका मासी थी और उसका सौका जंग था, वो भी बार बार सिराजुद्दौला के खिलाफ विरोध कर रहे थे। तो पूर्णिया इस घटना के बाद पूर्णिया के विरुद्ध उसने प्रभावशाली ढंग से सिराजुद्दौला सैनिक अभियान किया, और सैनिक अभियान करके सौका जंग को पराजित किया, और अक्टूबर 1756 में एक मनिहारी का युद्ध हुआ जिसमें सौकत जंग मारा गया, सिराजुद्दौला ने सौकत जंग को मार दिया। उसके बाद से पूर्णिया का जो विद्रोह था वो शांत सा हो गया। तो जब अंग्रेजों का बंगाल से निष्कासन का समाचार मद्रास पहुंचा, तो मद्रास से क्या हुआ कि सेना की एक विशेष टुकड़ी बंगाल पहुंची अंग्रेजों के मदद के लिए। तो यही मैंने लिखा यहाँ पे कि जब बंगाल से अंग्रेजों का निष्कासन का समाचार मद्रास पहुंची, तो वहां से एडमिरल वाटसन एवं कर्नल क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना बंगाल पहुंच गए, ठीक है। और बंगाल पहुंचने के बाद उसने क्या किया कि कोलकाता पे आक्रमण कर दिया। तो अंग्रेज ने जनवरी 1757 में कोलकाता पर आक्रमण करके जो उसका फोर्ट विलियम का किला था वो पुनः वापस अपने जीत लिया। उसके बाद उन्होंने मार्च 1757 में जो चंद्रनगर थी वहां पे फ्रांसीसी की बस्ती थी उसको भी अंग्रेजों ने जीत लिया। और ये जब दो जीतों के बाद जो सिराजुद्दौला था जो अल्प वयस्क था वो परिस्थितियों को संभाल नहीं सके और अंग्रेजों से संधि करने के लिए तैयार हो गए। तो यही हमने लिखा कि सिराजुद्दौला अल्प वयस्क होने के कारण परिस्थितियों को समझ नहीं सका और अली नगर की संधि अंग्रेजों के साथ कर ली। तो अली नगर की संधि क्या थी उसको देखते हैं। तो अली नगर की संधि में जो पहला पॉइंट है वो संधि का पॉइंट था कि मुगल बादशाह के फरमान के अनुसार सारी सुविधाएं कंपनी को फिर से वापस दे दिए गए। जो भी सुविधाएं मुगल बादशाह जो फरुख सियार ने दिया था मदीना कालका में अंग्रेजी कंपनी को, वो सारे अधिकार पुनः अंग्रेजी कंपनी को वापस दे दिए गए। उसके अलावा कलकत्ता पर अधिकार से हुई जितनी क्षति हुई थी सारे जो बंगाल के नवाब थे उसको देने पड़ गए अंग्रेजों को। इसके अलावा अंग्रेजों को कोलकाता में सिक्के ढालने का अधिकार प्राप्त हो गया। चौथा संधि का पॉइंट था कि दोनों पक्षों ने भविष्य में एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं करने का वादा किया और भविष्य में शांति बनाने का वादा किया। यह चौथा पॉइंट था, लेकिन सिराजुद्दौला तो इस संधि के पॉइंट को माने और चौथे पॉइंट में वो अपने आप को अंग्रेजों से दूर रखा, लेकिन अंग्रेज जो थे वो सिराजुद्दौला के आंतरिक कमी का आंतरिक विरोध का फायदा उठाते रहे और प्लासी की लड़ाई को फ्रेम करने लगे और वो चुप नहीं बैठे और उस संधि को वो उसने माना नहीं अंदर अंदर और सिराजुद्दौला के विरुद्ध साजिश करते चले गए। उसमें जो उसके सेनापति थे मीर जाफर उसको वो अपने तरफ मिला लिया, इसके जितने भी दरबारी थे जो कि सिराजुद्दौला को विरोध कर रहे थे उसको अपने तरफ मिला लिए, और मीर जाफर जो सेनापति था उसको एक लालच भी दे दिया उसने कि अगर युद्ध में आप हमारी सहायता करेंगे तो अगला जो नवाब है सिराजुद्दौला के बाद वो आपको ही बनाया जाएगा, ठीक है। तो ये संधि और ये साजिश अंग्रेज जो थे सिराजुद्दौला के खिलाफ करते चले गए, तो इसी के कारण प्लासी का युद्ध हो गया। तो आइए हेडिंग डालिए पहले प्लासी की लड़ाई। तो प्लासी की युद्ध की अगर हम बात करें तो प्लासी की युद्ध बैटल ऑफ प्लासी 23 जून 1757 को बंगाल में प्लासी के मैदान में लड़ा गया था सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में। उसमें क्या था कि बंगाल के प्लासी के मैदान में यह युद्ध लड़ा गया। सिराजुद्दौला के 50,000 सैनिक और अंग्रेज के मात्र 3200 सैनिक लड़े, और फिर भी अंग्रेज जो है वो सिराजुद्दौला को काफी आसानी से हरा दिया। कहा जाता है कि यह युद्ध सुबह में शुरू हुई और दोपहर होते होते तक अंग्रेज विजय हो गए और सिराजुद्दौला बुरी तरह से हार गए। क्यों? क्योंकि
इसका जो सेनापति था मीर जाफर वो अंग्रेजों से मिल चुका था। तो विश्वासघाती सेनापति मीर जाफर अंग्रेजों से मिल गए, जिससे कि क्या हुआ कि सेना का एक बड़ा हिस्सा युद्ध में भाग ही नहीं ले पाया और मीर जाफर जो था दूसरे कुछ सेना जो लड़ रहे थे उसको गलत ढंग से नियंत्रित भी किया। कुछ सेनापति जैसे थे मीर मदन या मोहनलाल, वो अपने बहादुरी के साथ और कर्तव्य निष्ठा के साथ लड़ते हुए मारे गए, बट इसमें क्या हुआ कि अंग्रेजों को एक बहुत बड़ी विजय मिल गई। और जब सिराजुद्दौला को यह पता चला कि जो हमारा सेनापति मीर जाफर है वो अंग्रेजों से मिला हुआ है, तो युद्ध क्षेत्र से ही वो भाग निकला। तो यही हमने लिखा कि अंग्रेजों को बहुत आसानी से विजय मिल गई और सिराजुद्दौला युद्ध क्षेत्र से भाग करके मुर्शिदाबाद भाग गया और वहां से फिर वो अपनी पत्नी के साथ पटना की ओर भाग गया। पटना भागे, फिर कुछ समय के पश्चात जो क्या हुआ कि मीर जाफर का जो पुत्र था वो सिराजुद्दौला की हत्या कर दी और सिराजुद्दौला की कहानी यहीं पे समाप्त हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये था प्लासी के युद्ध के बारे में, जिसको अक्सर हाँ एग्जामिनेशन में काफी पूछा जाता है कि सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में युद्ध हुआ तो डेट की क्या थी, 23 जून 1757 का, और क्यों हार गया, तो कौन सा सेनापति उसके साथ विश्वासघात किया, ये सारे क्वेश्चन अक्सर हाँ एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, तो उसको आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या हुआ कि जैसा कि अंग्रेज के साथ मीर जाफर की एक संधि हो रखी थी कि अगर वो युद्ध में सहायता देता है तो मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया जाएगा, और वैसा ही हुआ। जब प्लासी का युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुई तो मीर जाफर को बंगाल का नया नवाब घोषित कर दिया गया, जो कि मीर जाफर 1757 से 1707 तक नवाब रहा शासन का। लेकिन जैसे मीर जाफर बना तो कंपनी की कृतज्ञता के लिए, क्योंकि कंपनी ने उसको नवाब बनाया, तो कंपनी को नवाब ने कृतज्ञता के लिए बिहार बंगाल उड़ीसा में मुफ्त व्यापार की अनुमति दे दी, और कंपनी को ही नहीं बल्कि कंपनी के जो अधिकारी थे उसके जो निजी व्यापार थे उसको भी उसने निजी व्यापार के कर में उसके कर से मुक्ति दे दी, जिससे क्या हुआ कि बंगाल के जो नवाब थे उसके राजकोष के खजाने खाली होते गए, उसमें खर्चे ज्यादा होने लगे और उसमें इनकम कम होने लगे। तो जैसे ही ये सारे हुए मीर जाफर नवाब बना तो वो एक गंभीर समस्या से जूझने लगे। तो समस्या क्या क्या थी कि मीर जाफर तुरंत गंभीर समस्याओं का सामना करने लगा। क्या था कि उसका खजाना खाली होने लग गया, उसके पास पैसे नहीं थे और जब पैसे नहीं होंगे तो प्रशासन सही ढंग से चलेंगे नहीं। तो उसके अलावा कंपनी का यह मानना था कि मीर जाफर डचों के सहयोग से अंग्रेजों के बढ़ते प्रभाव में कटौती करने चाह रहा है, तो कंपनी ने ये मीर जाफर पे आरोप लगाने लगा कि जो मीर जाफर है वो डचों के साथ मिल गए हैं और हमारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। तो अब कंपनी जो था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मीर जाफर को नवाब के पोस्ट से हटाने में जुट गए। उसके अलावा क्या हुआ कि मीर जाफर का जो पुत्र था मीरान, उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु होने के पश्चात क्या हो गया कि मीर जाफर के बाद उत्तराधिकार कौन बनेगा, उसके लिए एक समस्या उत्पन्न हो गई। और इसी समस्या में क्या हुआ कि जो मीर जाफर का जो दामाद था मीर कासिम और मीरान का पुत्र जो था उसके बीच में नवाब के उत्तराधिकार के लिए संघर्ष शुरू हो गया। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और जो मीर कासिम है उसके बाद बंगाल का नवाब बन जाता है उस संघर्ष में जीत के, और वहीं से फिर बक्सर के युद्ध का नींव रखा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जब हम बक्सर का युद्ध को डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने ये देखा कि कैसे बंगाल में अंग्रेजों की विजय हुई, प्लासी के युद्ध में कैसे बंगाल में अंग्रेजों की विजय हुई, और फिर कैसे मीर जाफर नवाब बना और उसके साथ क्या क्या समस्या हो गए। ठीक है, तो इसके अलावा हम ये देखेंगे कि प्लासी का युद्ध क्यों महत्वपूर्ण था। तो प्लासी के युद्ध के महत्व के बारे में बात करें तो पहला पॉइंट जो आता है कि विश्वासघात से पाई विजय से बंगाल में नवाब की स्थिति बेहद कमजोर हो गई। जो नवाब बने उसके बाद उसकी स्थिति बेहद कमजोर होते चली गई। दूसरा पॉइंट है कंपनी जो है नवाब के अधिकारियों की नियुक्ति में अब क्या करना शुरू कर दिया, हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। अब जो नियुक्ति होती थी कंपनी ये नवाब के अधिकारियों की, उसमें कंपनी अपना हस्तक्षेप करते थे और अपने हिसाब से अधिकारियों को चुनने के लिए नवाब को मजबूर करते थे। तीसरा पॉइंट था कि अंग्रेजों के साथ मिलकर विरोधियों ने नवाब के प्रशासन को और कम कर दिया। जो उसके विरोधी थे, नवाब के विरोधी जो थे वो आंतरिक रूप से अंग्रेजों के साथ मिलके और नवाब के प्रशासन को कमजोर करते चले गए, और जिस जो कि अंग्रेजी कंपनी को एक रास्ता दिया बंगाल में स्थापित होने का, एक मौका दिया। नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट जो है वो है अंग्रेजी कंपनी ने फ्रांसीसी और डच की कंपनियों को कमजोर कर
बंगाल में बंगाल के व्यापार पे सफलतापूर्वक इजारेदारी स्थापित कर लिया। अब क्या है कि जो उसके जो जितनी भी प्रतिद्वंदी थी डच या फ्रांसीसी उसको वो बंगाल से हटाने की पूरी तरह कोशिश करने लगे और करीब करीब उसको हटा दिया और बंगाल के व्यापार पे अपना पूरी तरह से अधिकार स्थापित कर लिया। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ बातें थी हमारे जो अंग्रेजों के बंगाल विजय के प्रथम द्वार के बारे में। आप प्लासी का युद्ध जो आप कह सकते हैं वो बंगाल में अंग्रेजों का प्रथम विजय था और जिससे कि भारत के सत्ता पे हाथ जमाने के लिए अंग्रेजों का ये पहला कदम था। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि कैसे कैसे बंगाल में ब्रिटिशों ने अपना स्थिति को सुदृढ़ किया और इसके अलावा प्लासी के युद्ध के बारे में बताया और प्लासी के युद्ध का क्या महत्व रहा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बक्सर के युद्ध के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं और वीडियो अगर पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इस वीडियो पे आधारित आज का प्रश्न, तो आज का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम नवाब था। ऑप्शन ए सरफराज खान, ऑप्शन बी मुर्शीद कुली खां, ऑप्शन सी अलवर्दी खां और ऑप्शन डी सुजाउद्दीन मोहम्मद खां। आप इस क्वेश्चन का आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय दोस्तों।